भागलपुर के पीरपैती थाना क्षेत्र में मिर्जा चौकी बॉर्डर के पास स्थित अवधेश कुमार दुबे और पूलन दुबे के टोटो शोरूम में अवैध हथियारों की गुप्त सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। डीएसपी अर्जुन गुप्ता के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने शोरूम से एक देसी कट्टा, स्प्रिंग चाकू, 6 डिब्बे जिंदा कारतूस और 2 अतिरिक्त जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। हालांकि आरोपी अवधेश दुबे एक मौके से फरार हो गया। अवधेश दुबे का आपराधिक इतिहास रहा है और वह हाल ही में मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र में ट्रक से अवैध वसूली के आरोप में जेल भी जा चुका है। आरोपी मूल रूप से पीरपैती थाना क्षेत्र के दुबौली गांव का निवासी है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। तो कुछ हथियार रखा हुआ है। तो क्या कुछ मिला सर? एक कट्टा है, एक बड़ा चाकू है स्प्रिंग वाला और 6 पैकेट गोली है 303 का और 2 एक्स्ट्रा गोली है। भागलपुर में अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा द्वारा शताब्दी वर्ष सम्मान समारोह का आयोजन टाउन हॉल में धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल, पूर्व सांसद बूलो मंडल, गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल, रुपौली विधायक लेसी सिंह, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सविता देवी और आयोजन के आयोजक आशीष मंडल सहित गंगोत्री समाज के कई प्रमुख लोग उपस्थित थे। समारोह के दौरान सभी अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। महासभा की सदस्य अर्पणा कुमारी ने कहा कि कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने गंगोत्री समाज के उत्थान और विकास के लिए अपने विचार रखे हैं। भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में काली पूजा और छठ पूजा की तैयारियों को लेकर जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी डॉक्टर नबल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने संयुक्त रूप से की। बैठक में विभिन्न पूजा समितियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और पूजा के दौरान आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। बैठक में काली मां की प्रतिमा स्थापना और विसर्जन की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया गया। दरअसल 31 अक्टूबर की रात 11 बजे प्रतिमाओं की स्थापना शुरू होगी और 2 नवंबर से उनका विसर्जन किया जाएगा। डीएम ने कहा कि विसर्जन मार्ग पर बिजली, पानी, एम्बुलेंस और सफाई की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने नगर निगम को छठ पर्व के दौरान सफाई के लिए मजदूरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बैठक में पुलिस से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देते हुए समाधान का आश्वासन दिया और सभी से अनुशासन बनाए रखने की अपील की। भागलपुर के भतोरिया कंजिया फोरलेन चौक पर अंडरपास या ओवरब्रिज की मांग को लेकर ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। ग्रामीणों का कहना है जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है वे प्रदर्शन जारी रखेंगे। इस प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए भाजपा नेता अरजीत चौबे धरना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ वार्ता की। अरजीत चौबे ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे पूरी तरह से ग्रामीणों के साथ हैं और उनकी मांगों को उचित बताया। उन्होंने कहा कि हमारे शरीर में इस गाँव का खून है, इसलिए हम ग्रामीणों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और रहेंगे। अर्जुन चौबे ने एसडीओ से भी आग्रह करते हुए कहा कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि एसडीओ खुद ग्रामीणों के पास आकर उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। जो स्थानीय नेता अश्विनी कुमार चौबे जी के पुत्र जो आए थे अर्जित शाश्वत चौबे जी, उन्होंने कहा कि इस बिंदु की लड़ाई जो है आज से जिस समय की डीपीआर तैयार हो रहा था, हमारे पिताजी यहाँ के डीपीआर के बारे में सारा अवगत करा दिया गया है। ये जो बाईपास का जो अधिकारी लोग है, एनएचआई के जो अधिकारी लोग हैं, ये उनको बरगला रहे हैं। ये तो आवाज बहुत पहले से है, ये कैसे नहीं बना ये आश्चर्य की बात है। और अभी जो प्रशासन हमारे सांसद महोदय जिस दिन से आए थे उस दिन से जो प्रक्रिया चल रही है, जो आश्वासन दी गई है उस पर कार्य हो रहा है। और कल यहाँ एसडीओ साहब भी आए थे, जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार आए थे और यहाँ 3 प्रस्ताव लेके गए हैं। एक तो यहाँ फूड पार्क, दूसरा अंडर पास और ओवरब्रिज का, ये तीनों लेके गए हैं।
और पहले जो बहाना बना रहे थे वो एसडीओ साहब ये बोले कि जो इसमें सेलेक्ट होगा वो किया जाएगा, अन्यथा सब भी किया जा सकता है, जितना होगा एक्स्ट्रा किया जाएगा लेकिन हमारे एसडीओ साहब जो आए कुछ गर्म रुख में आए थे, वो बाद में शांत हो गए, जब बताया गया कुछ तो शांत हो गए। और हमारे विनय बाबू पैक्स अध्यक्ष जो बोले, बिहारीपुर भदौड़िया पैक्स अध्यक्ष, बिल्कुल सही बात बोले इन्होंने, जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तो हम तक लड़ते रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ पहले धोखा हो चुका है और धोखा का हमें डर है, यदि आगे मुकर जाएंगे पदाधिकारी तो हम उसके आगे पीछे क्या करेंगे, फिर हमें यही कम करना होगा, उससे अच्छा हमारा कार्य धरना जारी रहेगा, यदि हमारे कार्य में प्रारंभ कर देंगे तो हम अपना धरना स्थल से हट जाएंगे, सभी जनता जनार्दन। और हम नॉर्थ नगर से प्रखंड अध्यक्ष पूर्व हैं पवन यादव, राष्ट्रीय जनता दल, और ये राजनीति का खड़ा नहीं है, ये सभी जनता जनार्दन की मांग है कि यह जो है हम लोगों को 5 लाख की आबादी है, यहाँ से अमरपुर से बांका होते हुए दरियापुर राधानगर ये मेन मुख्य मार्ग है, और जनता का मांग है कि यह जो अंडरग्राउंड चाहिए या बाईपास चाहिए ये निश्चित होना चाहिए, और हमें अंधकार में मत रखें, हमारी जो मांगे हैं जनता की जो मांगे हैं उसको पूरी करें। जय हिंद, जय भारत जी। आए और काफी समय हम लोगों के बीच से बिताए, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, और उन्होंने हम लोगों के बीच आकर जो भी अपना प्रस्ताव था रखा और सहयोग भी जहां तक है उनका उन्होंने दिया और आगे भी देंगे ऐसी बात कही है, और आश्वासन दिया है कि यहां पर जो जनता के हित में मतलब कि होगा, होना चाहिए, वो चीज़ हर हाल में होगा, हम उनके साथ हैं और लगे हुए हैं, और पब्लिक को जहां तक है नुकसान जो इस अभी वर्तमान स्थिति है इस चीज़ को थोड़ा देखते हुए वैसा नहीं रहेगा, स्थिति अभी से बहुत बेहतर होगा। और भागलपुर के सुल्तानगंज क्षेत्र में मुरारका कॉलेज रोड के पास स्थित रेलवे गुमटी नंबर 9B स्पेशल पर प्रस्तावित रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण का ग्रामीणों ने विरोध किया है। रविवार को आयोजित एक बैठक में ग्रामीणों ने इस योजना के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाई है। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर नईमुद्दीन ने की है। उन्होंने कहा कि यदि यह ओवरब्रिज बनाया जाता है तो आसपास के समुदाय के लोग बेघर हो जाएंगे और उनकी आजीविका बुरी तरह प्रभावित होगी। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ओवरब्रिज के निर्माण से स्थानीय रोजगार खत्म हो जाएंगे, जिससे उनके जीवन पर गंभीर संकट आ जाएगा, इसी कारण वे इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम कृष्ण मुन्ना, शालिग्राम कुमार, प्रेम कुमार, ब्रिजमोहन कुमार, विनोद मंडल, पप्पू यादव, ब्रह्मचारी दास, मनोज दास सहित कई अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। वहीं ग्रामीणों ने सरकार और रेलवे विभाग से इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करने की मांग की है। ब्रिज बन रहा है जो 9B क्रॉसिंग है, उस पर ब्रिज बन रहा है जिससे बहुत अधिक दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग और छोटे छोटे व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं और वे विस्थापित हो जाएंगे, जिसके लिए रहने खाने का कोई प्रबंध नहीं होगा। और यह रोड जो है यह संकीर्ण रोड है, इससे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है और ब्रिज बनाने से भी इसमें बहुत फ़ायदा नहीं है, इसके सब्स्टिट्यूट में और भी जगह है जहाँ बन सकता है, इसको डिस्टर्ब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि डिस्टर्ब होगा तो हम लोग सभी भी इसका विरोध करेंगे। बात है कि भूमिहीन हो जाने का सवाल नहीं है, यह रोजी रोटी का सवाल जुड़ा हुआ है और बहुत अधिक लोगों को विस्थापित करने से कोई फ़ायदा नहीं, जबकि उसका अल्टरनेट दूसरी जगह है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन दूसरी जगह इसका अल्टरनेट है जहां बना सकते हैं लोग।